जो नंबर है उसके बाद वाले को मिल गया है जी, उसका छूट गया नहीं रहने के, नहीं बाहर तो मिलेगा, उसमें मिलेगा, अभी टारगेट नहीं आया, दो साल से प्रधानमंत्री आवास में टारगेट नहीं आया, बन गया ना, दो साल आएगा तो मिल जाएगी, ठीक, उसके लिए नहीं दौड़ना है, ठीक, बोलिए। ये रूटीन साप्ताहिक जो जांच होता है योजनाओं का, बुधवार को बृहस्पतिवार को, उसी क्रम में आज भलोई पंचायत का मेरे द्वारा प्रोग्राम किया गया। इसमें मैंने तीन स्कूलों को देखा, आजकल सरकार का स्कूल को, स्कूल की व्यवस्था के सुधारने पर पूरा जोर है, मैंने भी देखा, स्कूलों को देखा, प्राथमिकता में अभी वही है। उसके बाद मनरेगा का प्लांटेशन देखा, WPO जो तैयार है वो देखा है, और कुछ कुछ अन्य योजनाएँ PDS वगैरह देखी गई हैं। मुख्य रूप से स्कूल की जांच में बेसिक सभी समस्या है कि कैशबुक का संधारण नहीं हो रहा है ठीक से, इसके लिए मैंने आज से सभी का ट्रेनिंग भी रखा है, सभी हेडमास्टर्स का या जो ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको हमने अपने मंत्रणा कक्ष में, कलेक्ट्रेट के मंत्रणा कक्ष में रोस्टर वाइज 3 दिनों का बना करके ट्रेनिंग देना शुरू किया है, और उसके बाद 15 दिनों में अगर कैशबुक संधारण नहीं होगा तो उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी एक दो जगह टीचर के खिलाफ शिकायत मिली है और मैंने भी देखा है, तो लौट करके जाएंगे तो DO से डिस्कशन के बाद उस पर कार्रवाई करने का ये करेंगे। हाँ, मैंने कहा ना, तीन विद्यालय मैंने देखा है, तो जो मिला है उसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। मैंने कहा है उसका निलंबन करने के लिए, क्योंकि MDM का रजिस्टर उसने नहीं रखा था, इसका मतलब है कुछ संदेह है गड़बड़ी का, नहीं रखना कागज़, नहीं रखना आज के दिन बुधवार को जब जानता है लोग कि DM आएंगे, कहीं भी जा सकते हैं उस पंचायत में, और नहीं रखना इसका मतलब जांच में कॉपरेट नहीं करना है। बारिश में सर की पुलिया टूट गई, उसको भी देखा है, RWD का रोड है, मैं उसको कहूँगा कि इसको जा करके जो अगर रिपेयर हो सकता है तो करे, नहीं तो फिर दूसरा पुलिया का ये करें। नया भी जो रोड बना था अभी टूट गया सर, नहीं ये नोटिस में है, तो ये सब मेंटेनेंस में है, तुरंत बरसात के बाद, बरसात खत्म हो गया अब उसको मेंटेन करेगा तुम। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, और जी हमारे क्षेत्र भलू पंचायत मोहलिया ग्राम में जो है DM साहब आए हैं, तो हम लोग जनता से भी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जानकारी लेंगे, DM साहब आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, कौन ऐसा यहाँ पे आके काम देखे हैं, वो सारा जानकारी हम लोग जनता के माध्यम से लेंगे। तमाम देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है, वो हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि पूरा 5 गाँव का लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं।